के लिहाज से थोड़ा सा अहम हो जाता है ये। आरईसी पीएफसी आज दोनों में देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं, क्रॉस होल्डिंग भी है दोनों कंपनीज में आपस में। इस पर जतिन आप जरा व्यू दीजिए, आरईसी पीएफसी दोनों चेक कीजिए और दोनों के चार्ट देखिए, बताइए कि आपको कैसा पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए आरईसी और पीएफसी दोनों ही जो अगर जो मैं डेली चार्ट्स देखूं तो दोनों ही डेली चार्ट्स पे मेरे को लगता है कि एक लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का जरूर बन रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग इन नेचर है, तो ये हमें बताता है कि ये सिर्फ एक करेक्शन है। और मेरे को लगता है कि ये करेक्शन इन द केस ऑफ आरईसी अराउंड 402 तक हो सकता है, जहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी कि 20 वीक का एवरेज आ रहा है, तो थोड़ी वीकनेस हमें देखने मिल सकती है। लेकिन ये मेरे को लगता है कि एक बहुत ही शार्प रनअप के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली एक बहुत ही हेल्दी साइन होता है, इसके लिए हमें ये करेक्शन को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि जब भी ये करेक्शन अराउंड 400 के आसपास कंप्लीट होता है तो वहां से एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव देखने मिलेगा, जो अभी रिसेंट हाईस से अराउंड 520 के आसपास जो इनिशियल के टारगेट रहेंगे, इसके लिए करंट लेवल्स पे नहीं लेकिन एक डीप अराउंड जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया अराउंड 400 के आसपास जो अगर जो आता है वहां पे एक खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा ऑटो भले ही करेक्ट हो रहा